आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है। वैसे आजकल वो इलाके जहाँ पे जरा बादल बादल से होते हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा एक ना ठंडा ठंडा सा डिप्रेशन होता है, उसमें बिस्तर से निकलना, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को मोटिवेट करना कि मैं बाहर निकलूंगा, मैं बस में बैठूंगा, मैं दफ्तर जाऊंगा, मैं साइकिल में बैठूंगा, मैं मोटरसाइकिल में बैठूंगा, अपनी गाड़ी पे, कोई भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो और मैंने दफ्तर जाना है, तो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करेगी? क्योंकि बादलों ने तो सही एक ठंडा सा डिप्रेशन क्रिएट कर रखा होता है सुबह सुबह। तो ऐसे में उन दिनों की तलाश कीजिए कि जब धूप निकली होती है, जब बादल कहीं काम से गया होता है, इधर उधर जरा बिजी होता है, सुबह लेट हो जाता है, सोते उठ नहीं पाता, और धूप अपनी आबोताब से चमक रही होती है, अपनी हुकूमत सजाए बैठी होती है, तो उन दिनों की तलाश में रहे, उन दिनों की खोज में रहे सर्दियों के मौसम में, और उस धूप को एक्सपीरियंस करें। ना सिर्फ इसलिए कि बड़े जनाब सोशल मीडिया पे आपको बहुत वायरल वीडियोस मिलेंगी, ओह यू हैव टू टेक सनशाइन ऑन योर स्किन ताकि विटामिन डी आपको मिले। डॉक्टर नौशीन भी अक्सर ये बात कर रही होती हैं कि जी विटामिन डी, स्किन विटामिन डी। इसके अलावा भी धूप से बातें करने का बड़ा मजा आता है। धूप आप से बहुत से आपके दिल के राज जान लेती है, बहुत सी बातों को आया कर देती है। धूप आपको वो मोटिवेशन देती है कि जब बादल नहीं होते तो मैं होती हूँ और मैं तुम्हें इनकरेज करती हूँ कि तुम साइकिल पर बैठ के दफ्तर जाओ और तुम्हें सर्दी ना लगे। सो धूप से करनी है दोस्ती, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में। जैसे धूप है बड़ी शैतान, बड़ी चलाक है ये, जब गर्मी आती है तो यही हमें बुरी लगने लगती है और हम बादल से दोस्ती करना चाहते हैं। ये नेचर का, कुदरत का खेल है। लेकिन हमारा प्यारा देश पाकिस्तान जो है इस हवाले से बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि हमें हर तरह की धूपें और हर तरह की बदलियाँ और बादल नसीब में आते हैं साल के 12 महीने में, जब मौसम बदलते रहते हैं। अब तो खैर वो 4 मौसम 5 मौसम कहाँ रहे, अब तो 2 मौसम है, सर्दी अचानक गर्मी है, अचानक सर्दी वाला सिलसिला चल निकला है पिछले कुछ अरसे से क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अभी भी हम धूप और बादल से दोस्ती का नाता तोड़ नहीं सकते। तो आज वो इलाके पाकिस्तान के जहाँ धूप है, निकलिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसके साथ दोस्ती कीजिए और उसका थैंक यू कीजिए कि उसने बादल को आज आने नहीं दिया। चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज आपके लिए हमारे पास क्या है। आज जनाब मेरे क्लास फेलो अरियान एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आ रहे हैं कि आप में से वो साथी जो जहाज में सफर कर चुके हैं और जहाज की टर्बुलेंस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। टर्बुलेंस क्या होती है कि एकदम से जहाज हिलने लग जाता है और ऐसे लगता है कि बस गए के गए। उसकी वजूहत क्या होती है और उससे बचा कैसे जा सकता है, ये अरियान हारिस हमें पूरी रिसर्च से एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें बातें हैं। तो वो लोग जिन्होंने जहाज में कभी सफर नहीं किया वो भी इसको एंजॉय करेंगे, जिन्होंने सफर किया है वो भी एंजॉय करेंगे, और जो करने वाले हैं उनके लिए तो अरियान हारिस जबरदस्त टिप्स लेके आए हैं। एंड ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट कि आज है थर्सडे, आज है जुमेरात, और आज आपके लिए फैसल मूवी वाला सजाते हैं मूवी का सेगमेंट। जनवरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी आ रही है, पाकिस्तानी मूवी जिसका ट्रेलर बहुत ज्यादा हिट है, आज फैसल मूवी वाला उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे और आने वाले वीकेंड के लिए रेकमेंड करेंगे कि हमने कौन सी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्म देखनी है। एंड ऑफ कोर्स अपने मेन सेक्शन के अंदर हम कुछ बात करेंगे कि इंसान जो डिजिटल दुनिया का शिकार होता चला जा रहा है, अक्सर हम इसको शो में एक मौजू बनाते हैं, उसके इदारों के लेवल के ऊपर क्या फवायद है, यानी पूरा इदारा जब डिजिटाइज हो रहा है तो एक आम आदमी को उससे क्या फायदा हो रहा है, जिसने सुबह उठ के नलका खोलना है और उसको गर्म पानी चाहिए और उसने हाथ मुंह धोना है, तो क्या एक आम आदमी इस डिजिटाइजेशन से कोई फायदा उठा पाएगा या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आंखें खोल देने वाली रिसर्च के साथ हम आज के मेहमान से बात करेंगे। तो यह है जनाब आज का मेन्यू कार्ड। आप रेस्टोरेंट में आए हैं, साहब जी बताएं क्या आपके लिए पेश करें, ये मेन्यू कार्ड है, अब जो जो आपको चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं। तमीना को बड़ी जल्दी है एक्सरसाइज करने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काशिफ। मैंने कहा आपके मेन्यू में मुझे लगता है कि आज चीजें खत्म होती जा रही हैं। नहीं जी, आज हमारे मेन्यू में तो बड़े मजे मजे की चीजें हैं। ये देखिए, ये काशिफ हमारे लिए लेकर आए हैं एक तोहफा। ये क्या है जी? गाजरें। ये गाजरें हैं, वेरी नाइस। किसी भी वक्त ये आज ये मेन्यू में एडिशन क्यों है जी, बताइए। ये इसके फवायद के हवाले से आज हम बात करेंगे, नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे और इसके फायदे भी हैं जो भी। सबसे पहले गाजरें जो हैं, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आजकल सीजन है तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
اپنے دوپہر کے کھانے میں سلاد کی صورت میں اور رات کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ اس کا جوس بنا کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جوس صرف گاجروں کے علاوہ ایک اور آپشن دیتا ہوں جوس کے لیے, آپ اس میں سیب, ادرک, لیمن اور چکندر ان چاروں کا کمبینیشن کر کے ملا کے بڑا مزے کا ہوتا ہے. خاص طور پہ ادرک جس بھی جوس میں ایڈ ہو جائے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور ذائقے میں بھی بہت اچھی. بالکل یہ باتیں ہو گئی وہ جو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں. اب اس طرف آتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اس میں وائٹمنز ہیں, منرلز ہیں, اور اس میں فائبر ہے. فائبر بہت امپورٹنٹ ہے ہماری نیوٹریشن میں, ہماری خوراک میں ہونا. جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے, جن لوگوں کو ڈائجسٹو سسٹم کا مسئلہ ہے, ان کی خوراک میں فائبر کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کل کا جو سیزن ہے گاجروں کا, اپنی خوراک میں, اپنی ڈائٹ میں گاجرے رکھیں گے تو آپ کا جو نظام ہضام ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کو قبض جیسے مسائل نہیں ہوں گے. فائبر جیسے جن فوڈ میں فائبر ہوتا ہے. اور ہم نے سنا کہ خرگوش بہت شوق سے گاجریں کھاتا ہے, اور وہ جو بگز بنی میرا کلاس فیلو ہوا کرتا تھا کارٹونز میں, وہ ہر وقت کہتا تھا واٹس اپ ڈاک, پھر گاجر کھاتا تھا. تو اس کو اس کی کس سے کیا نظر بھی سنا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب ہم بڑھتے ہیں اس طرف یہ کہ آپ کے ہیلتھ کی طرف مزید کیا اس کے فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں. آپ کی جو جلد ہے, جن لوگوں کی ہسٹری ہے جلدی امراض سے ریلیٹڈ, ان کی اگر خوراک میں اگر گاجریں ہوں گی تو ان کو بینیفٹ ہوگا. اور آپ کی آنکھوں کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے گاجروں کے استعمال سے. لیکن اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جس کے نقصانات ہیں. اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے جلد کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے. اتنی مشکل سے تو میں وہ ہو گئی تھی گوری. تو اس کی انٹیک کیا ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ دن میں 5 سروینگز کر سکتے ہیں, یعنی کہ 5 گاجروں سے زیادہ نہیں کھا سکتے. اچھا, اس لیے تو میرے لیے 5 لکھا, 1 2 3 4 5 6. نہیں, ایک توڑ دی نا آپ نے. اچھا ہاں, وہ 5 تھی. گریٹ, تو تھینک یو ویری مچ ٹرینر کاشف, بڑی اچھی ریکمنڈیشن ہے آج کی ہماری. جی, کیرٹس یعنی کہ گاجریں ان کا استعمال کریں. موسم ہے, آج ہم سردیوں کی دھوپ کی بات کر رہے تھے آغاز میں, تو سردیوں میں گاجر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کہ اب ہمیں ملتی ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ. آخری پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا جو ایکسیس کی بات میں کرتا ہے کہ 5 سے زیادہ نہیں کھانا. یہی بات میں ڈاکٹر نوشین سے اکثر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, بتانا ہے چیزیں, تو کیا کیا چیزیں لائی جائیں, کس طرح سے چیزیں بتائی جائیں. تو وہ اپنے آنے والے ایک نشست میں وہ ایک جیسے ایکسیس آف فوڈ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک لے کے آئیں گے جس میں وہ ڈیٹیل سے بتا سکیں گے. اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو مجھے پیلا صوفہ چاہیے ہوگا. اس لیے ہم آج کی ورزش کی طرف چلتے ہیں. ورزش میں ان چیزوں کا آپ کا جو ہماری ورزش ہے وہ پیٹ کے حوالے سے, پیٹ کم کرنا, پیٹ کی چربی. فائنلی وی کم ٹو ایکسرسائزز, آئی تھاٹ آئی ایم اور اس میں آپ کی جو نیوٹریشن میں ان ساری چیزوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اگر آپ نے پیٹ یا چربی کم کرنی ہے, گاجریں اور اس کے رشتے دار آس پاس کھیتوں میں باقی ویجیٹیبلز. چلیں جی, آج گاجروں کے رشتے داروں کو ہم ڈھونڈیں گے. ایکسرسائز پہلی کیا ہماری آج؟ اچھا جی, جو لوگ یہ ایکسرسائز کریں گے, ٹھیک ہے, یوزلی ہم آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں بتاتے ہیں, ایبس کی, لوور باڈی کی, وٹ ایور جو بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. لیکن آج بتانے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ایبڈومنل کا یعنی پیٹ کا, آپ پیٹ کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ ایکچولی ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ آج آپ کو بتانا ہے. اچھا, جتنی یہ 5-6 ایکسرسائزز ہیں وہ آپ نے ٹائمر اپنا لگانا ہے 45 سیکنڈ تک, اور 15 سیکنڈ کا آپ کا بریک ہوگا. جب آپ نے پورا 6 راؤنڈز آپ نے کر لی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے جتنی بھی آپ کی فٹنس لیول ہے. تو ایک سوال میں کہنا چاہوں گا کہ کیا جو بریک ہے ہمارا تیمینہ وہ ہر ایکسرسائز کے بعد ہوگا یا ہر سرکٹ کے بعد ہوگا؟ ہر ایکسرسائز کے بعد آپ نے 15 سیکنڈ تک کے لیے آپ نے سکون کی حالت میں جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ ورزش کی اگلی حرکت چلیں گے. پہلی ورزش کی حرکت کیا ہے ہماری شروع کرتے ہیں؟ اچھا, یہ ایکسرسائزز تقریباً آپ کو ہر پروگرام میں یا پورے فل باڈی پروگرام میں یا کسی بھی ہم بتاتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم ایبڈومنل کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ساری کی ساری اکٹھی بتائیں گے. ٹائمر جیسے آپ نے آن کیا, وارم اپ کرنا نہ بھولیے گا, خاص طور پہ پیٹ کی ایکسرسائز میں بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, پہلی ایکسرسائز ہے جو کہ ہم کہتے ہیں پلانک, ٹھیک ہے, جو آپ کو پلانک ایلبو کا پتہ ہے. لیکن اب اس میں ایڈ کیا کرنا ہے, جیکس, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھا دے گی. فار ایگزامپل اگر آپ بگنر ہیں اور آپ نہیں جمپ کر سکتے تو آپ یہ ٹچ کرتے رہیں. جیسے کاشف ابھی جمپنگ کر رہے ہیں, میں آپ کو ساتھ میں صرف ٹو ٹچ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو کرتے رہے. 45 سیکنڈ تک آپ نے یہ کیا, کم سوکھا نہیں ہوئی, انٹائر کور ایریا آپ کا, جی, آپ کا کمر کا نچلا حصہ, آپ کا ابڈومنل لوور مسل, جی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے سیم اپنے ہینڈس پہ آنا ہے. جیسے آپ ہینڈس پہ آئے ہیں, آپ نے نی چیسٹ کی طرف لانا ہے, ٹھیک ہے, 45 سیکنڈ تک. یعنی دوسری ایکسرسائز ہے. دیکھیں, میرا جو گھٹنا ہے وہ ہاتھ سے آگے کی جانب جا رہا ہے, تو میکسیمم فل رینج آف موشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ایبنارمل وال ہے وہ کمپریس ہو, جس کے ذریعے آپ کے ایبس
लेकिन काशिफ हर किसी के लिए रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल नहीं है जो हमारे नाजरीन, क्योंकि हमारा पेट नहीं है, मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी है कि जब आपका एब्डोमिनल थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर आप घर पे हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, तो कोई इशू नहीं है। बताने का मतलब ये है कि आपने बेशक हाथ से आगे आपके घुटना नहीं जा रहा, लेकिन फुल रेंज में कोशिश करनी है, मैक्सिमाइज करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, अपने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कम से कम वहां लेके आए। जी अगली एक्सरसाइज क्रॉसिफिक्स है, काशिफ आप आ जाइएगा यहाँ पे। अच्छा जी, आप नीचे कहीं पे भी लेटें, मैट है आपके पास, कारपेट पे हैं, आपने क्या करना है, यहाँ आपने आर्म्स लिए या आप पीछे लेके आए, आप इसको आप स्टार क्रंचेस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका नाम क्या है काशिफ? क्रूसिफिक्स जी। तो ये आप इसको कोई भी नाम दे दें, आप इसको यूजुअली लोग कहते हैं एब्स इन एंड आउट, और मैं इसको स्टार क्रंचेस कहता हूं। एक्चुअली जब ये एक्सरसाइजेस बनाते हैं, जैसे प्लैंक आप कहते हैं, बट ब्रिटेन में इसको प्लैंक कहते हैं और यूएसए में इसको प्रोन ब्रिज कहते हैं। तो जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम लेते हैं। तो आप देखिएगा मेरी फॉर्म, फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सटेंशन हुआ, मैं जमीन पे पूरे हाथों को ऐसे नहीं कर रहा, रिलैक्स नहीं करना, कॉन्स्टेंट टेंशन रखनी है एब्स पे, आपने एब्डोमिनल पे ये आए एंड ये कॉन्स्टेंट टेंशन, रिलैक्स नहीं करना बॉडी को। अच्छा, अगर ये मुश्किल भी है आपके लिए, तो जो लोग नहीं उठा सकते, वो आप सिंपली ये, उसने की जरूरत ही नहीं है, आप ये कर ले। काशिफ, हम रशियन ट्विस्ट यहीं कर लेते हैं, करते हैं। अच्छा जी, बैठिएगा, ये आपकी तीन एक्सरसाइजेस हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लोर पे बैठे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने पाँव नीचे रखे, डंबल ले लें, बॉटल ले लें, कुछ ना लें तब भी कोई इशू नहीं है। आप देखिए कि मैंने पाँव उठाए हुए हैं जी, ये थोड़ी सी एडवांस वर्जन है जी, आप उठाना चाहें, यू कैन क्रॉस योर लेग्स, गाजर भी ले सकते हैं हाथ में, गाजर के गाजर साथ कर रहे हैं, अगर वो पूरी टोकरी ले लूं, पूरी टोकरी ले लूं, तो फिर डेफिनेटली इट विल बी हार्ड। अच्छा, 45 सेकंड करना है, 180 का जाविया जी, आपने 45 सेकंड तक ये वर्कआउट किया, उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज की, याद रहे हर वर्जिश की हरकत 45 सेकंड तक कसरत करनी है जी। काशिफ, सेम हमने प्लैंक पोजीशन में आना है। अच्छा, ये आपकी चार एक्सरसाइजेस हो गई हैं, उसमें भी जब आप आएंगे तो माउंटेन क्लाइंबर्स में आएंगे। ठीक है ये। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब कार्डियो वर्कआउट है, व्हाई यू डूइंग दिस, लेकिन आपने कार्डियो यानी हार्ट रेट भी बढ़ाना है, और दूसरी बात है कि थोड़ी सी इंटेंस, हार्ट रेट बढ़ेगा तभी ना पसीना आएगा, तो अच्छा है उनके लिए, आप मसल्स जी कैलोरीज बर्न कर सकेंगे। अच्छा जी, 45 सेकंड तक आपने ये एक्सरसाइज की, जो लास्ट एक्सरसाइज है वो काशिफ हम इसी एंगल में आएंगे नीचे दोबारा से जी, शुरू कीजिए फ्लटर किक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लोअर बैक पे आप हाथ रख लें, अगर आप एडवांस है तो साइड पे रख लें, आपने लिफ्ट किया एंड ये आपने कांस्टेंट टेंशन रखनी है, लेग्स को रिलैक्स, ये बेसिकली आपके इस एरिया पे यानी लोअर एब्डोमिनल पे जी काम करेगा 45 सेकंड तक, पेट के पट्ठों को रिलैक्स नहीं होने देना जी, जब तक टेंशन रहेगी तब तक आपके मसल्स जो हैं, मसल टिश्यूज डैमेज होंगे, मसल फाइबर्स टूटेंगे, और ये डन। और एडवांस वर्जन में ये है कि जैसे अभी काशिफ ने नेक नीचे रखी हुई थी, वैसे तो आप नीचे भी करेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन ज्यादा टेंशन ये है कि अगर आप शोल्डर बेल्ट उठा लें, ग्रेट, इट विल गिव यू मोर। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन टुडे। और आज की हमारी रिकमेंडेशन इज कैरेट्स, कच्ची गाजर का इस्तेमाल करें, सर्दियों का मौसम है, जूस की सूरत में या सलाद की सूरत में, या वैसे ही जैसे मैंने अभी देखा को डेढ़ दूसरी गाजर तो मैं खत्म कर ही चुका हूँ जब से शो शुरू हुआ, आज ये टोकरी मेरे साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको जहाज में बिठाना है, सीट बेल्ट्स बांध लें, मौसम खराब है, टर्बुलेंस होगी, जहाज हचकोले खाएगा, लेकिन हमें कौन बताएगा वो टिप्स के हमने डरना नहीं है और हचकोलों से किस तरह बचना है, वो है आर्यन मेरे क्लास फेलो, रही मेरे साथ, अभी उनसे मिलवाते हैं आपको। Welcome back. आर्यन मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ, गाजरें खा ली हैं सुबह सुबह, जिगर जिंदगी खुश हो गई है। आज क्या टॉपिक लेके आए? एरोफोबिया यानी के हवा में जहाज के उड़ने का डर।
तो जनाब एक प्रेजेंटेशन भी है आर्यन के पास, वो हम प्ले करते हैं, साथ साथ आर्यन हमें बताते जाएंगे कि एरोफोबिया होता क्या है। चले जनाब, वो देखो जी, फियर ऑफ फ्लाइंग, कॉमन फैक्टर्स। ओ ये तो मेरी तस्वीर है, ये पीछे वाला मैं हूं जो हंस रहा है। मुझे बिल्कुल जहाज में डर नहीं लगता। हाई फाइव। हाई फाइव। आपको भी नहीं लगता? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलेंगे जी अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जी। फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं फियर ऑफ फ्लाइंग के। इग्नोरेंस टू फ्लाइट प्रिंसिपल्स, जब जब बंदों को पता नहीं कि जहाज उड़ता कैसे है। फियर ऑफ अननोन, उनको पता नहीं क्या हो सकता है लेकिन फिर भी डरते हैं। फियर ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई से डरते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आवाजें, ऊंची आवाजें और वाइब्रेशंस, लेकिन मोस्ट कॉमन है टर्बुलेंस, और आज मैं आपको टर्बुलेंस के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि कुछ लोगों को क्योंकि जहाज के उड़ने के प्रिंसिपल्स का नहीं पता होता, या वो अननोन से डर रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये खौफ भी होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो टर्बुलेंस होती है, और टर्बुलेंस क्या होती है इसकी तरफ बढ़ते हैं और आर्यन हमें बताएंगे। जी टर्बुलेंस क्या है? ओए ये क्या, ये तो मुझे लग रहा है कोई कॉफी बन रही है। नहीं नहीं नहीं, बादल है। लवली। और जहाज उन बादलों के अंदर जा रहा है? अंदर से जा रहा है। अंदर से जा रहा है। बताइए क्या होता है जब बादलों में जाता है? तो ये बादलों के अंदर से जाता है क्लाउड की वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। उनसे जहाज से, जहाज को टर्बुलेंस होता है। अच्छा, यानी कि पानी जब ज्यादा होता है बादलों में तो उसकी वजह से टर्बुलेंस होती है। जहाज ऐसे जाते ऐसे ऐसे कर रहा होता है और अंदर बैठे हुए इंसान को लग रहा होता है कि बस जी अब अल्लाह खैर करे कुछ होने वाला है। अच्छा जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। जहाज की चार फोर्सेस होती हैं, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। ठीक है। जब टर्बुलेंस हो रहा होता है लिफ्ट और वेट मेन मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, यानी लिफ्ट और वेट ऊपर जा रहा होता है या जहाज नीचे जा रहा होता है टर्बुलेंस में? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लेकिन दो और फोर्सेस भी काम कर रही होती हैं, एक थ्रस्ट यानी वो एनर्जी, वो पावर जिससे जहाज आगे जा रहा है, और ड्रैग यानी हवा या बादल जो उसको रोक रहे उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, और उसकी अपनी एनर्जी आगे की तरफ पुश कर रही है, और टर्बुलेंस ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसको कर रही है। तो चार फोर्सेस एक वक्त में जहाज पे काम कर रही होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं जी। जब जहाज उड़ रहा होता है कुछ हवा विंग के ऊपर से जाती है और कुछ नीचे से जाती है। जो ऊपर जाती है वो तेज हो जाती है और उस पर लो प्रेशर होता है, जो नीचे होती है उस पर हाई प्रेशर हो जाता है। यानी विंग के ऊपर से भी प्रेशर है और नीचे से भी प्रेशर है। बेचारे जहाज की जिंदगी को इतनी आसान नहीं लग रही मुझे, आगे का भी प्रेशर, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, है ना? ओहो वेरी सॉरी, मैं हमेशा समझता था जहाज की जिंदगी बड़े मजे की, हर वक्त उड़ता रहता है, लेकिन आज मुझे पता चला उसकी जिंदगी भी मेरे जैसी है। अच्छा, व्हाट इज टर्बुलेंस? टर्बुलेंस सडन वायलेंट शिफ्ट होता है एयर फ्लो में। अच्छा, सडन वायलेंट शिफ्ट, ठीक है जी। और बताइए उनकी कॉजेस हैं हवाएं, तेज हवाएं, जेट स्ट्रीम और स्टॉर्म्स, तूफान जो आ जाते हैं जी। और आखिरी पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट्स जो जहाज के पास होते हैं, जैसे पहाड़ और बिल्डिंग। यानी अगर पहाड़ों वाले इलाके से जहाज गुजर रहा है और ऊंची ऊंची चोटियां उसके करीब हैं, तो उसकी वजह से एटमोस्फियर में, माहौल में कुछ इस तरह की चीजें होंगी, पानी के ऐसा प्रेशर्स कम ज्यादा होंगे बादलों में कि जिसकी वजह से टर्बुलेंस हो सकती है। फिर अगर कोई तूफान आ जाए वो भी जहाज को इफेक्ट कर सकता है, और विंड्स हो, बहुत ज्यादा हवाएं हो, तो जहाज तो बेचारा मासूम सा होता है ना, छोटा सा। क्रॉस विंड लैंडिंग हो सकती है उसकी वजह से। Exactly. और बहुत डेंजरस होती है क्रॉस विंड लैंडिंग्स। Yes, बिल्कुल, क्रॉस विंड लैंडिंग्स यानी लैंडिंग के वक्त भी कई दफा बहुत हवाएं होना। साथियों, तो आपने फिल्मों में देखा होगा जहाज ऐसे सीधा यूं लैंड नहीं कर रहा, वो जब नीचे आ रहा है तो उसके विंग्स कभी यूं जा रहे कभी यूं जा रहे, और कई दफा लगता है कि ओहो ये खुदा ना खास्ता जमीन से टकरा जाएगा। लेकिन जो माहिर पायलट्स होते हैं वो बड़ी महारत से जहाज को ऐसे ऐसे करते भी बिल्कुल एक बर्ड की तरह, एक परिंदे की तरह जमीन पर लैंड करवा देते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा जी, अगली स्लाइड पर चलेंगे। वो देखिए जहाज बीच में जा रहा था, मुन्ना सा। अच्छा जी,
अब क्या है जी कि इस मसले का हल कैसे करें, पहले हाउ टू ओवरकम दिस फियर के जो खौफ है जहाज में बैठने का और टर्बुलेंस का खौफ कि कुछ हो जाएगा, इसका खौफ, इसको खत्म करने के लिए आर्यन हमें बताने लगे जी। पहले आपने आपको ये पता होना चाहिए कि जहाज उड़ता कैसे है? जैसे पानी पे जब वेव्स होते हैं वो बोट हिलती है, उसी तरह हवा में एयर फ्लो जब डिस्टर्ब होता है फिर जहाज भी इफेक्ट होता है और हिलता है। ये बात समझने की जरूरत है कि वो हवा के अंदर ऊंच नीच हो रही है, इसकी वजह से जहाज ऊंच नीच हो रहा है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, इस चीज को अंडरस्टैंड करना हमें चाहिए जी। उसके बाद एंकर थॉट बनाए, मतलब रीजन टू ट्रैवल, एक अच्छी वजह कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और वहाँ जाके करना क्या है। हाँ, avoid mind hijack from bad thoughts. ये यहाँ पे एंकर थॉट आता है। एंकर थॉट अपने हमारे माइंड को एक चीज पर सेट करता है और फिर बैड थॉट्स नहीं आते जब तक एक चीज दिमाग में है। ऑलराइट, बड़ी जबरदस्त बात वैसे आर्यन ने बताई है कि जब जहाज में आप बैठे हैं और जहाज में झटके लग रहे हैं तो बजाय इसके कि उनके बारे में सोचें, आप उन चीजों के बारे में सोचें कि अच्छा मैं कराची लैंड कर जाऊंगा तो फिर मैंने कराची में क्या करना है, मैंने यू नो राबिया खाला के घर जाना है और राबिया खाला ने मजे की बिरयानी बनाई होगी, फिर हम बिरयानी खाएंगे, फिर हम सी व्यूज जाएंगे, फिर हम समंदर पे तस्वीरें खिंचाएंगे और हम ऊंट पे बैठेंगे। यानी कराची पहुंच के जो आपने चीजें करनी है उनके बारे में सोचें, अच्छे अच्छे थॉट सोचें, बजाय इसके कि आप सोचें कि ओहो जहाज को कुछ हो रहा है अब क्या होगा, है ना। तो एंकर थॉट का मतलब है अपनी अपनी सोच को एंकर कर लें, अपनी सोच को कनेक्ट कर जाएं उस चीज से जो आपने कराची पहुंच के या दुबई पहुंच के या पेशावर लैंड करने के बाद आपने करनी है, ताकि आप उस वक्त की टर्बुलेंस से ज्यादा डरे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त। और फिर है जी, एवरी साइन इज अ गुड साइन, मीनिंग थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बैड थॉट्स आपने ज़हन में नहीं लेके आनी, और डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे, प्रे टू अल्लाह, अगर होली कुरान लेकर आए हैं तो वो पढ़ें, म्यूजिक सुनें, मूवीज देख लें, यानी कि उस अपने अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करें किसी भी पॉजिटिव चीज से जो आपको रिलैक्स कर रही हो जी। वेरी नाइस। और फिर क्या है जी, नेवर फियर फ्लाइंग अगेन, नेवर। इन टिप्स पे आप अमल करेंगे आर्यन की तो आपको फिर कभी भी डर नहीं लगेगा फ्लाइंग से। अच्छा जी, इसके बाद एक और स्लाइड है जी, लास्ट हमारी, ये लास्ट थी, आधी आवाज आती है ना, लास्ट सिर्फ आया था लास्ट तो हमने समझा भाई अब लास्ट आने लगी। अच्छा जी, ग्रेट हो गया। आपको डर लगता है जहाज में क्योंकि आप इन टिप्स पे अमल करते हैं? सच्ची सच्ची बात बताऊं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। और जब टर्बुलेंस हो रही होती है ना जहाज में और इर्द गिर्द लोग परेशान हो रहे होते हैं और डर रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मैं हंस रहा होता हूं। मेरी मामा कुछ दिन कनाडा से आई थी, इतनी गंदी टर्बुलेंस हो रही थी, सब सीट्स उछल रहे थे जी, और मेरी मामा हंस रही थी, सब स्केट थे। यार तुम्हारी मामा जो है ना वो कोई मेरी बरादरी की लगती है मुझे, इसलिए कि मैं मुझे भी हंसी आ रही थी और मैं एंजॉय कर रहा था उस पूरे एक्सपीरियंस को। आर्यन थैंक यू वेरी मच, हाई फाइव, गुड जॉब। और आज आर्यन को मैं जनाब एक बहुत मजे का एक और टॉपिक देने लगा हूँ शो के बाद, और उस पे आर्यन प्रेजेंटेशन तैयार करके लाएंगे कुछ 2-3 वीक्स के बाद, ठीक है? लवली वर्क। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फैसल मूवी वाला हमारे साथ है और आज हमें बताने लगे एक नई मूवी के बारे में, पाकिस्तानी मूवी, और एक हॉलीवुड की मूवी की रिकमेंडेशन फॉर ओवर द वीकेंड। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। फैसल जो आपकी रिकमेंडेड मूवीज होती हैं वो हर वीकेंड के बाद संडे को ही और मंडे को हमें फेसबुक पे उसका
रिव्यू आने शुरू, उन मूवीज का रिव्यू जो हमारे व्यूअर्स करते हैं वो बड़ा मजे का, बहुत अच्छा, क्या हाँ जी वो जो था और बाकी उसको इतने ऑस्कर्स, तो लोगों ने आपके रिकमेंडेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से जिम्मेदारी बढ़नी गई आप? बहुत ज्यादा काम, ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है ना, क्योंकि हर हफ्ते एक अच्छी से अच्छी मूवी लेके आनी है, लेके आनी होती है, और हर हफ्ते का जो टारगेट होता है वो पहले से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए मूवी। Exactly. So let's start जी, कहां से शुरू करेंगे? आज का सेगमेंट हम शुरू करेंगे तो सिख भाई, हमारे एक बहुत लेजेंड एक्टर जो कि अब हमारे साथ नहीं रहे, और कॉमेडियन एक्टर अली एजाज, मैं चाहूंगा उनके बारे में थोड़ा सा उनका जिक्र किया जाए आज के हमारे सेगमेंट में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया कि उनकी 100 से ज्यादा फिल्में, मूवीज, मोर देन 100 मूवीज हैं, जिसमें से मोर देन 80 मूवीज जो हैं जो पंजाबी हैं, और पंजाबी मूवीज में उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बूम पे थी उस वक्त 70s में 80s में, और उनकी जो मूवीज़ हैं जिनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी है उसमें चोर मचाए शोर एक बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, और सोना चांदी जो है आपको याद होगा जिससे उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के लिए जो उनका काम है वो हमेशा याद रखा जाएगा, जो कि ख्वाजा इंसान तो इस कदर उनका ज़बरदस्त काम है कि उसको आज भी आप देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ्रेश कंटेंट से ज़्यादा मज़ा वो दे रहा होता है, और कितना अच्छा अली जाज साहब के लिए हमारे दिल में बहुत उदासी भी है कि वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन ये वो सफ़र है जिसको हर एक ने इख्तियार करना है, और उनकी मगफरत के लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है, उन्होंने जितनी मुस्कुराहटें जितनी हंसियाँ बखेरी हैं PTV की स्क्रीन के ज़रिए और सिनेमा की स्क्रीन के ज़रिए, यकीनी तौर पर हर नस्ल के लिए उनका काम, ख़ासतौर पर एक्टर्स के लिए उनके काम को देख के सीखना एक बहुत ही अहम हिस्सा है उनके करियर का, कि जब आपका काम दूसरों के लिए मिशले राह बन जाए, आपका काम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी कोई बात किसी भी एक्टर के लिए होनी, ऑफ कोर्स, और इतनी बड़ी एग्जाम्पल तो सिख भाई आप देखें कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला पाकिस्तान में, उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, और मैं ये बिल्कुल सोचता हूँ कि अगर उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तो उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा अगर वो इस दुनिया में नहीं है। एब्सोल्युटली। आज अब हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं? आज हम पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो रही है 11 जनवरी को जिसका नाम है गुम, चल के उसका ट्रेलर देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। ग्रेट। लगता आपकी सहेलियों ने कभी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। कौन हो तुम बदमाश? मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। बदमाश! इस शख्स ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। शादी कर ले मुझसे, मजे करेंगे। चश्मे बदूर तेरा नूर जैसे जन्नतों की हूर। तेरा नाम क्या है? कोई है? कोई है? मुझे कुछ याद नहीं। मेरी बेटी के इलाज के लिए, अगर तू रोक सकते हैं ना तो रोक ले। मेरे खुदाया वक्त मुझे किस मोड़ पे लाया। पैसे के लिए असद जान दे सकता है, ले भी सकता है। मेरे पास नाकामी के चांस का चांस ही नहीं है। बड़ा कुछ थ्रिलिंग किस्म का ट्रेलर था। एग्जैक्टली, मैं वही आपसे ये बात करना चाह रहा था कि ट्रेलर के बाद सीन ऑन, मैं यही करना चाह रहा था कि आप देखें कि दुर्ज, हमने इस सेगमेंट में बात की, वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, ये क्राइम एक थ्रिलर और एक्शन है। पाकिस्तान में कितना फर्क किस्म का काम होना शुरू हो गया जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो सीख भाई, और कुछ ही अरसा पहले तक फैसल हम इस शो के अंदर बात कर रहे थे कुछ एक्टर्स के साथ भी, और बड़े बड़े एक्टर्स ने भी कहा कि जी सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी ही चलेगी आने वाले 2-3 साल तक। Exactly. और लेकिन आप देखें डायरेक्टर्स ने नया काम, ये किसकी मूवी है? इस फिल्म के डायरेक्टर 2 मियां बीवी हैं, यंग एंड वाइब्रेंट, उनका नाम है अमार लसानी और कंजा जया, दोनों का पहला काम है, और इतना मज़ेदार काम है तो सीख भाई की फिल्म 8 से ज़्यादा फेस्टिवल्स में भेजी जा चुकी है और 15 से ज़्यादा नॉमिनेशन है इसके पास दुनिया के डिफरेंट ऑलरेडी फेस्टिवल्स ऑलरेडी।
और इसमें जो मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि जो डायरेक्टर हैं इसके, उनके पास एक अवार्ड है, बेस्ट स्क्रीन प्ले का, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड है इस फिल्म ने जीते, और इसके अलावा फिल्म ने डिफरेंट 3 स्क्रीन प्ले के अवार्ड जीते और एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऑलरेडी। और फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, समी को मिला है, समी को मिला एग्जैक्टली। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, फिल्म 11 तारीख को 11 जनवरी को गुम रिलीज हो रही है, अमार लसानी और कंजा ज़िया की। और इसमें मेन कास्ट में कौन है? मेन कास्ट में आपने देखा शमून अब्बासी हैं, इसके साथ समी खान है, शमीन खान है, शमीन खान का डेब्यू है, और समी खान जो है उनका ये कमबैक है, उन्होंने 2004 में लास्ट मूवी की थी सलाखें, पाकिस्तानी फिल्म, तो उसके बाद समी खान जो है अब दोबारा से जो है वो फिल्मों में उन्होंने रुख किया। और समी की लुक्स कितनी बिल्कुल एक यंग कॉलेज स्टूडेंट टाइप माहौल, ही इज अ वेरी गुड एक्टर तो सी, और उसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। तो इसको किस जॉनरा के अंदर हम डालेंगे? ये है थ्रिलर एक्शन, क्या होगा ये है क्राइम थ्रिलर एक्शन, क्राइम थ्रिलर एक्शन, वेरी नाइस। ये तो 11 जनवरी को गुम रिलीज हो रही है, जिसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और कंजा की और हम उनको विश करेंगे ऑल द बेस्ट कि उनकी फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे और पाकिस्तान में वो आगे भी फिल्में बनाते हैं। ग्रेट। अब आ रहा है जी वीकेंड, और वीकेंड के ऊपर जो फैसल हमारे लिए मूवी लेकर आए हैं वो कौन सी है? जी वीकेंड पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी जिसका नाम है प्रेस्टीज। तो पहले उसका ट्रेलर देख लें, डन हो गया, प्रेस्टीज का ट्रेलर देखते हैं। Shoot me. Come on. No, I can't shoot. Do it! How'd you like that? Well, how do you do it? Magic. I'll perform this feat in a manner never before seen by yourselves or any other audience anywhere in the world. The audience loved it. This trick is top-notch. A real magician tries to invent something new. God. It's something that other magicians will scratch their heads over. I suppose you have such a trick. That's you, I do. It's the one they're gonna remember me for. What happened? It was the greatest magic trick I've ever seen. I need to know how he does it. He has no trick. It's real. Every great magic trick consists of 3 acts. The first act is called the pledge. The magician shows you something ordinary, but of course, it probably isn't. The second act is called the turn. He's obsessed with discovering your makes this ordinary something do something extraordinary. Huh. It's the third act called the prestige. This is the part with the twists and turns. Where lives hang in the balance. Julie, come on! And you see something shocking you've never seen before. I know what you really are! How does he do it? You want the truth. Nothing is impossible. Abracadabra. जी जनाब, प्रेस्टीज क्या है जी इसकी खास बात? इसकी खास बात सबसे पहली तो यह है क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, और ये क्रिस्टोफर नॉलन की वो मूवी है जिसको सबसे लोएस्ट रेट किया गया, लेकिन IMDB पे ये फिल्म जो है 8.5 इसकी रेटिंग है। और ये फिल्म ऑफ कोर्स उस लिस्ट में शामिल है जो कि आपने मरने से पहले जरूर देखनी है। मेरी और फैसल की एक लिस्ट है जो हमने कहा है कि ये कुछ फिल्में जो हमने मरने से पहले जरूर देखनी है, टाइम निकाल के। अच्छा, उस लिस्ट में है, बिल्कुल है। और इसका प्लॉट जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज की यही खास बात है, अगर आप उनकी मूवीज देखें तो उसका कंटेंट, उसका स्क्रीन प्ले, उसका प्लॉट इतना पावरफुल होता है कि आपके दिमाग से वो निकलता नहीं है। अच्छा, इस फिल्म की एक और खास बात आपको बताऊं, इस फिल्म में की जो कास्ट है वो बहुत मज़ेदार है। वो कास्ट जो है वो अट्रैक्ट कर दिया कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। इसमें क्रिस्टन बेल हैं जो कि बैटमैन का कैरेक्टर कर चुके हैं। इसमें ह्यू जैकमैन है जो कि वॉल्वरीन के लिए बहुत मशहूर है। जो लोग वॉल्वरीन को फॉलो करते हैं, मार्वल मूवीज़ को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा। Exactly. और इस फिल्म में जो कास्ट है उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो कि मार्वल के लिए काम, मार्वल मूवीज़ में काम कर चुके हैं, मार्वल स्टूडियो के लिए काम, यानी कि वो सब इकट्ठे एक फिल्म में हमें नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। कास्ट और माइकल केन ऑस्कर विनर एक्टर हैं, और इसके साथ आप देखते हैं कि क्रिस्टन बेल जिन्होंने ऑस्कर जीता हुआ है, ह्यू जैकमैन जो कि ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुके हैं, और क्रिस्टोफर नॉलन की इस मूवी में 2006 में फिल्म रिलीज हुई तो एक इन्फेंट उनका जो बच्चा था उसने भी इस फिल्म में काम किया। अच्छा, क्रिस्टोफर नॉलन के अपने बच्चे ने? एग्जैक्टली।
वेरी गुड। तो और इसके अलावा क्रिस्टन बेल ने सेकंड टाइम काम किया क्रिस्टोफर नॉलन से, उनका काम बैटमैन में ज़्यादा है। उनके साथ माइकल केन सर जो हैं, जो कि पढ़ाते हैं आपको फिल्म और एक्टिंग और सिनेमा, वो दो दफ़ा काम कर चुके हैं क्रिस्टोफर नॉलन के साथ। तो क्रिस्टोफर नॉलन की जो फिल्में हैं तो सीख भाई, वो तो आप सारी जरूर देखें। इंटरस्टेलर भी उनकी एक मूवी है जिस पे आने वाले हम सेगमेंट्स में बात करेंगे। आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन और इंटरस्टेलर जो है वो, उसके बारे में जब आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। उसके बारे में मेरा एक नजरिया है कि वो पहली दफा देखने में समझ नहीं आती। नहीं आती क्रिस्टोफर नॉलन की बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो वो दूसरी दफा देखने में सही समझ में आती है और उसका आप उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, तो ये है हमारे प्रेस्टीज को। प्रेस्टीज को किस जॉनर में आप डालेंगे? प्रेस्टीज इज थ्रिलर एंड मिस्ट्री एंड ड्रामा। थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा के शौकीन जो है इस वीकेंड के ऊपर प्रेस्टीज देख सकते हैं। और एक और बड़ा खास पॉइंट मैं बताना चाहूँगा तो सीख भाई फिल्म का, क्योंकि ये फिल्म एक मैजिक के हवाले से, जादू के हवाले से, कि मैजिक ट्रिक्स क्या होती हैं, उसके लिए क्रिस्टन बेल ने और ह्यू जैकमैन ने मैजिक ट्रिक्स की कोचिंग ली। अच्छा, सीखी भी। और उस दौरान उस मैजिक टेक्निक्स में स्टेज के ऊपर एक ट्रिक थी जिसको कहा जाता था कि ट्रांसपोर्टेड मैन, कि स्टेज के ऊपर एक दरवाजे से बंदा एंटर होता था और दूसरे दरवाजे से निकलता था। ठीक है, उसको डिफाइन किया है कि वो कैसे किया जाता था और बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे, मैजिक ट्रिक्स को एंजॉय करेंगे और राइवलरी जो है दो मैजिशियंस की, वो इसका प्लॉट है। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत मजा आया और रिकमेंडेशन अच्छी थी। 11 जनवरी को गुम रिलीज हो रही है अमार और अक्सा की और इस वीकेंड पे अमार और कंजा की, और इस वीकेंड पे हमने देखनी है प्रेस्टीज। रहिए मेरे साथ, एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जरा देखेंगे कि हम ये डिजिटल दौर के अंदर जो घुस रहे हैं तो इस डिजिटाइजेशन से मुझे आपको भी कोई फायदा हो रहा है या आप बस ये मेरा स्यापा ही है जो हम लेके बैठ गए। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमने उस वक्त को याद करना है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटाइजेशन नहीं थी, इंसान और उसका तर्ज हयात डिजिटल नहीं हुआ था। अरे क्या अच्छे वक्त थे वो। नहीं, हमने उस वक्त को याद नहीं करना, हमने उस वक्त की बात करनी है कि डिजिटाइजेशन अब एक रियलिटी बन चुकी है, हम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। फरजील जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फरजील, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये बताइए कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्यापा का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या मुसीबत आ गई हर चीज में डिजिटल डिजिटल डिजिटल। मतलब मैं तो कई दफा सोचता हूँ कि ये लफ्ज हमारी जिंदगी में ना होता तो शायद हम कोई अमरूद ज्यादा एंजॉय कर लेते, कोई ठंडा गर्म पानी का हमें फर्क ज्यादा पता चलता है। या आप जैसे लोगों ने क्या किया हमारे साथ? वेल आई हेयर यू इसमें, लेकिन इस तरह है कि देखें, एक वक्त था जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। आजकल के दौर में हम इंटेलिजेंट इंटरप्राइज, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज के दौर में जी रहे हैं। इन सब का जो फ़ायदा है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, एक आवाम के लिए, कि जब भी वो इंटरेक्ट हों किसी किस्म की सर्विस से बिटवीन गवर्नमेंट या बिजनेसेस, उनकी जिंदगी आसान बनाई जा सके। मिसाल के तौर पर कैसे मेरी जिंदगी, मैं एक आम आदमी हूं, मैं विहाड़ी के पास एक चक के अंदर रहता हूं, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे चक को, मेरे गांव को, मेरे गोट को क्या फायदा? देखिए, आपके जो गोट में कोई रोड आ रही है, ठीक है, उस रोड की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एक तरीका यह है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से एक बंदा जाएगा, वो साथ साथ मॉनिटर करता रहेगा। दूसरा यह है कि यूजिंग द वीडियो कैपेबिलिटी, कैमरों की मदद से आप उसको देखेंगे इसकी मेंटेनेंस कब है। मतलब एक होल, एक वर्टिकल एक एरिया है जिसको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। पानी का मसला है, जैसे हमारे पानी किस एक्ट, अगर हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इस्लामाबाद की बात करें, हर सेक्टर को कितना पानी जा रहा है, अगर आपको पहले से सेंसर टेक्नोलॉजी बता दे कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग रहते हैं, इधर इतने क्यूबिक फीट चाहिए, इधर इतने क्यूबिक फीट चाहिए, और पाइप ब्रेक होने से या लीकेजेस होने से पहले आपको कोई सेंसर कोई टेक्नोलॉजी बता दे, आप देख सकते हैं कि इसका आम अवाम को कितना फायदा है। कंप्लेन आपकी ड्रॉप होंगी, लोग की जिंदगी आसान होगी, दे विल डू जो उन्होंने काम करना है, बजाय इसके कि वो अपनी स्ट्रगल करते रहें कंप्लेन में, फॉलो अप करने में। ये दिस इज वन ऑफ द, और आप फोन मिला रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे, ओ भाईजान पानी नहीं आ रहा, बंदा चल पे है जी, आ रहा है जी, ये सब चीजें
बाईपास हो सकती हैं, यानी कि पानी जब मेरे घर में कम हुआ और फिर मैंने कंप्लेन कराई, उससे पहले ही टेक्नोलॉजी का सेंसर जो है वो बता देगा मुतालिका इदारे को कि इस इलाके में पानी अब कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब दैट्स होल पॉइंट। ओके ओके, और ये कुछ ममालिक हैं जहाँ पे सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जी। अगर हम दूर ना जाएं, वी डोंट टॉक अबाउट द यूरोप एंड ऑल दैट, अगर हम अपने करीब में देखें मिडिल ईस्ट, दुबई आप सबको पता है राइट नाउ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी, ठीक है जी। उसमें आपके बाद श्रीलंका है, बांग्लादेश है, दे आर यूजिंग, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट वन, वो टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं। वहाँ पे तो रिक्शे तक में आप अपने क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग अगर आपके बैंक अकाउंट भी नहीं है, दे हैव द मैकेनिज्म। टेक्नोलॉजी आपको मोड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप बेहतर तरीके से चीजें कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक मिसाल हम उबर और करीम को भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब आप देख लीजिए कि उबर एंड करीम ने आपका टैक्सी का मॉडल, बीएनबी है जिसने आपकी होटलिंग का मॉडल टोटली चेंज करके रख दिया है। ये कंपनियां कोई टैक्सी ओन नहीं करती, बट दे आर द बिगेस्ट वन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसके कोई डाउनसाइड भी तो होगी। देखिए, मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूं उस मोमेंट को कि जब सब कुछ हमने डिजिटल के हवाले कर दिया और हम तो घर में बैठ गए कि अब सब कुछ, हमारे पानी का नलका भी डिजिटल सोर्सेस से आ रहा है, हम सफर भी उससे कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी दिन कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या होगा? देखिए, फॉर दैट इसीलिए कहा जाता है कि इसको करने से आपको इसका आर्किटेक्चर, जैसे कोई आप अपना घर बनाते हैं उससे पहले आपने उसका डिज़ाइन सब कुछ आप वर्किंग करते हैं, इसको आपको लॉन्ग रन में एक वर्किंग करके देखनी है कि इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या है। रिसेंटली पाकिस्तान में जो एक बैंकिंग का केस हुआ जिसमें कुछ बैंक्स के डेटा बाहर गया गया, उसको डिजिटाइजेशन ही का एक लैप्स था। बिल्कुल, लेकिन उसको डिजिटाइजेशन का लैप नहीं कहेंगे, वो डिजिटाइजेशन करके उसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर कोई काम नहीं उस तरह किया गया। अच्छा, जिस वजह से लीकेजेस हुई। और सिक्योरिटी पे ये ऐसा ही है जैसे मैं आप शहरी हूँ, आप अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। इस तरह एक उस ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी की लेयर प्रोवाइड करे। एज अ ह्यूमन बी, एज अ सिटीजन, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्रेडेंशियल्स, मैं अपने पासवर्ड, अपनी ईमेल, अपने जो भी मेरा पिन कोड है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। मतलब आप अपना आईडी कार्ड अपने सिबलिंग्स को भी, बहन भाई को दे के नहीं कह सकते इसको चला लो, इट डजंट वर्क। सो ये हमें एज अ कंज्यूमर भी समझना है कि हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन फर्जील, फिर वही बात है कि जैसे कि इकबाल ने कहा था कि दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, तो मुझे लग रहा है कि जो मशीनों की हुकूमत में कहीं कोई एक दिन ऐसा ना आए कि इंसान बिल्कुल ही बेबस हो जाए और किसी दिन कोई मेजर लैप्स हो और हम बैठे हुए बस वो अमरूद ही रह जाए हमारे पास, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। No, I hear you, लेकिन देखिए जिस तरफ को दुनिया जा रही, the countries who are very well digitized, उसमें देखें कि लोग ह्यूमन रेपिटेटिव काम में रोबोटिक्स कंप्यूटर्स कर रहे हैं, ठीक। जो इंटरवेंस सोचने वाला काम है, जो इंटरवेंशन वाला काम है, वो ह्यूमन करें। अब मैं एक अगर मैं एक दफ्तर में हूँ, मैंने रोज जाके एक फाइल चेक करनी है, एक सिटीजन आ रहा है उसको बताना ये जमा करा, ये काम कंप्यूटर बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं बजाय बैठ के पॉलिसीज प्रोसीजर, उसका जो लोगों की लाइफ को रियल इंपैक्ट, नई पॉलिसीज के लिए मैं उस पर काम करूं बजाय इसके कि रोज एक पर्ची काटूं। हाँ एग्जैक्टली, और आई ऑल्सो नाउ हियर यू कि जिस तरह हम पहले कतारों में खड़े होकर बिजली गैस का बिल जमा कराया करते थे, अब सेलुलर कंपनियों ने आपके एक स्मार्टफोन के अंदर ऐप दे दिया, आप उसमें जाएं, अपना बिजली का बिल जमा कराएं, गैस का बिल जमा कराएं, फोन का बिल जमा कराएं, आप कतारों में नहीं खड़े हो रहे सर्दी गर्मी के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फर्जील से हम बात करेंगे कि इस सहूलत के साथ साथ एक चीज जो और सामने आ रही है वो है नौकरियों की कमी, कि जब सब कुछ डिजिटल काम होने लग गया तो वो जो बैठ के बिजली का बिल वसूल करके एक ठप्पा लगा के दे रहा था उसकी नौकरी तो गई, तो नौकरियां कम होती चली जाएंगी, यानी ह्यूमन एलिमेंट कम होता जाएगा, तो फिर इसका क्या हल होगा आने वाले 50 साल के बाद? अगर सब कुछ ही मशीन कर रही है, या तो मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं घर बैठ के अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद बहुत जरूरी है जिंदगी में, आपने फर्जील आपने नोट किया, मेरा ख्याल है कि अमरूद पे हम फोकस करें। चल के लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फर्जील से हम इस हवाले से जानेंगे कि डिजिटल दौर के अंदर जॉब्स का क्या सिलसिला होगा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
فرجیل جاوید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ، جو کہ ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں۔ فرجیل، ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب سب کچھ مشینوں نے کرنا شروع کر دیا تو مے بی آج سے 50 برس بعد 30 برس بعد آپ کیا دیکھتے ہیں، پھر نوکریاں کہاں سے ملیں گی جب سب کچھ مشینیں کر رہی ہیں؟ ویری گڈ پوائنٹ جی۔ دیکھیں 30 اور 50 تو بہت دور کی بات ہے، وی سی اٹ ہیپننگ ارلیئر دین دیٹ۔ اچھا، بہت پہلے جی بالکل ہوگا، چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ایسے ہی، اگر کچھ عرصہ پہلے ہم سوچیں، ایک بوم آیا تھا انجینئرنگ کا پاکستان میں، پھر ایک ڈاکٹرز کا آیا۔ اب یہ جو آئی ٹی کا بوم ہے، اس کے چکر میں آپ کی جو ٹریڈیشنل، جسے ایک عام نوکریاں کہا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی لگ جائیں گی۔ لیکن آپ کو اپنے بچوں، تعلیمی ادارے، جو بھی انسٹیٹیوشن کو دیکھنا پڑے گا کون سے ایمرجنگ ایریا ہیں، وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں اب ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ لائک ون آف دا بیسٹ ون رائٹ ناؤ جو پوری دنیا میں ریکگنائز ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا کو انالیسس کرنے والا ایسا فیلڈ۔ مطلب اب ڈیٹا کے اوپر بات ہوگی، جس کے پر ڈیٹا از دا گولڈ مائن، that's the new thing about this era. جس کے پاس ڈیٹا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ پھر مشین لرننگ ہے، ڈفرنٹ ٹیکنالوجی، سینسر سے ڈیٹا کیسے، پروگرامنگ کیسے، نئے نئے پروفیشنز بھی نکلتے آ رہے ہیں، جہاں پرانی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں نئی بن بھی رہی ہیں۔ بالکل بن رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، مطلب ہر فیلڈ کے اندر ایسا ہوتا ہے، نئی چیزیں آتی جاتی ہیں اور پرانی ڈائی ہوتے جاتے ہیں، تو اس میں بھی کافی آ رہی ہے۔ لیکن اس میں ہم فیل زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اسپیڈ بہت تیز ہے ٹیکنالوجی۔ اچھا جی، واپس آپ کو میں لے کے جانا چاہوں گا وہاڑی کے پاس، ایک چک میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اس وہاڑی کے چک میں جو اس وقت محمد ابرار صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، محمد ابرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرجیل جاوید اور توسیق حیدر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے پاس رکھیں، میری ریالٹی کچھ اور ہے۔ میری ریالٹی یہ ہے کہ میرا جب پوتا نواسا نواسی، ان کی ولادت کا وقت آئے تو میری بیٹی بہوؤں کے پاس اچھی ہیلتھ کیئر موجود ہو، میرے نواسے نواسے پوتوں پوتیوں کے پاس اچھا اسکول موجود ہو جس میں استاد آتا ہو، گھوسٹ ٹیچرز نہ ہوں۔ یہ ہمارے رورل ایریا کی ریالٹیز ہیں۔ اس میں ڈیجیٹائزیشن ٹیکنالوجی کی کیسے فائدہ کر سکتی؟ دیکھیے، میرا خیال یہ، میرا ماننا یہ ہے کہ یہی اسٹرینتھ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی۔ ایز اے کامن سٹیزن، میں کہیں بیٹھا ہوں، ہیلتھ کیئر ہر جگہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہسپتال نہیں بنا سکتی، انفراسٹرکچر بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو اس اکوپمنٹ کو ریموٹلی کمیونیکیٹ کرانا مین ہاسپٹل سے آئی ٹی کر سکتی ہے۔ مطلب الٹرا ساؤنڈ، مثال دیکھیے، دیکھیے، اگر الٹرا ساؤنڈ ایک مشین یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں، وہاں جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ٹھیک ہے، اس کے ریزلٹ نکلیں گے، وہ ہوگا۔ ایک یہ کہ پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ مشین آتی ہے جس میں سم کارڈ کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر، جو ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، اس پہ ڈیٹا ٹرانسفر میسیجز کرتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے، بالکل، اس کی مدد سے وہ آپ کی انفارمیشن ایک اسپیشلسٹ کو بھیجے گا، وہ ٹیسٹ کر کے واپس بھجوا دے گا۔ آپ اپنا گوٹ گاؤں چھوڑے بغیر، آپ کے سکین بھی ہو رہا ہے، اس پہ ڈاکٹر انالیسز بھی کر رہا ہے، وہ رپورٹیں بھی چیک کر رہا ہے، اور واپس بھیج رہا ہے۔ وڈا ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل بالکل، اس سے ہو کے آ جائے گی، وڈے ڈاکٹر کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، بالکل آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بلڈ ورک چلا جائے گا، آپ رپورٹیں آن لائن، اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے، آپ بلڈ ورک کروائیں، آپ آن لائن اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، آپ کو اپنی رپورٹ ملتی ہے بلڈ۔ تو اصل میں آئی ٹی نے کیا کیا، وہ جو آپ کا چکر لگانے والا چکر تھا، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، رپورٹ آئی نہیں آئی، وہ ساری آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو آئی ٹی ہیلتھ کیئر میں تو ریولوشنری ہے، ان ایریاز میں جہاں پہ میڈیکل سروسز نہیں جا سکتی، اور منیمم بجٹ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں آئی ٹی از بگ۔ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، کیونکہ آپ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی بہت عرصہ کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے، یہ بتائیے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس ریالٹی سے آشنا ہیں اور اس حوالے سے کام کرنے کی خواہش مند ہیں اس ڈیجیٹائزیشن کی؟ ایبسولوٹلی جی، گورنمنٹ از لوکنگ فارورڈ، ان کی پوری توجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ ہسپتال کا سسٹم ڈیجیٹائز ہونے لگا ہے۔ ایز اے کنزیومر، ایز اے سٹیزن، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب تک میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے، میں اس کو سمجھتا نہیں، یار پرچی ڈاکٹر نے نہیں دی، میں یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو سروس دی جا سکے، ان کو ڈاکٹروں کی ایکسس، دوائیوں کی ایکسس، جن کا ریموٹ ایریا میں وہ نہیں ٹریول کر سکتے۔ اور اسی طرح بریک پہ ہمیں جانا ہے، کوئکلی ذرا بتا دیں کہ تعلیم کے شعبے کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے۔ تعلیم جی، دیکھیں آپ، ایک چھوٹی ایگزامپل، گوگل پہ آج آپ کوئی بھی سرچ کریں، یو کین لرن اباؤٹ اینی، کسی بھی ٹاپک پہ آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بیسٹ پروفیسر، جو بھی انہوں نے کورس، ایک ویڈیو بنائی ہے، کتاب بنائی ہے، وہ آپ کو ریموٹلی آپ کے گاؤں میں اویلیبل ہے، آپ کی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے مل جاتی ہے۔
لیکن لیکن وہ جو گھوس ٹیچر والا معاملہ ہے نا, وہ کس طرح حل ہوگا؟ کیا ہم کلاس رومز میں کیمرے لگا سکتے ہیں اور اس کا کنیکشن دیا ہوا ہو ہیڈ کوارٹرز میں؟ ایسا ہی ہے. اور اس میں دیکھیں, انٹیلیجنٹ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, انٹیلیجنٹ انٹرپرائز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ان چیزوں کو ٹیک کیئر کر سکتی ہے. جب آپ سینٹرل مینجمنٹ کرتے ہیں ایچ آر کی, اپنے لوگوں کا حساب کتاب کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کیا پڑھایا انہوں نے, آپ پورا کنٹرول رکھ سکتے ہیں. اچھا جی, ماریا نے اب ہمیں سوال بھیجا ہے, ابھی ساتھ ساتھ شو کیونکہ چل رہا ہے اور لوگ فیس بک پہ ہمیں کوشچنس بھیج رہے ہیں. ماریا ایک ٹیچر ہے اور یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں, انہوں نے جگہ یا صوبے کا نام نہیں بتایا, علاقے کا نام نہیں بتایا, اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایز اے ٹیچر کس طرح کی, اس طرح ڈیجیٹائزیشن سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں, فرجیل کیا مجھے ریکمینڈ کریں گے, اور ایون میں اپنی انکم کو کیسے زیادہ بڑھا سکتا ہوں؟ دیکھیے, آج کل کے دور میں جہاں پہ باؤنڈریز گر چکی ہیں, اب آپ پورا دنیا ایک ہی گلوبل ویلیج جس کا کانسیپٹ ہے, ایک ہی ورلڈ بن چکا ہے, ایز اے ٹیچر آپ کو ایکسیس ہے اس مٹیریل کی. ٹریننگز ہر کوئی ادارہ آپ کو نہیں بھیج سکتا ٹریننگ پہ, ٹھیک ہے. آپ انٹرنیٹ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے جا کے لیٹسٹ کورسز آپ کے ایریے سے ریلیٹڈ ہیں, K-12 میں بچوں کو نفسیاتی طور پہ کیسے ڈیل کرنا ہے ایک ایگزامپل ہے, اس کا کورس اویلیبل آن لائن, آپ اس کو وہ جا کے آن لائن کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ آپ ریموٹلی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ یو ایس اور یو کے فالو کریں, پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی وہاں پہ ہیں, وہ یہاں سے مولوی ان کے بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں آن لائن, بالکل ویڈیو, اسکائپ کالنگ, دوسرے دیر ملٹیپل ٹولز, ایون اردو زبان. مجھے اس دن ایک صاحب ملے اور بڑی مجھے خوشی ان سے مل کے, وہ آن لائن پشتو اسپیکنگ کے کورسز لیتے ہیں ان پاکستانیوں کے لیے کہ جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ انگریزی اور اردو, وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ پشتو لینگویج سے, جو کہ ان کی مادری زبان ہوگی, اس سے کنیکٹڈ رہیں, وہ پشتو کے آن لائن اسپیکنگ لیکچرز لیتے ہیں. اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز اے بیوٹیفل آئیڈیا. فرجیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا جو ہے, جو ایک اسمارٹ فون کے اندر آ گئی ہے, اور وہ کہیں ذرا گم جائے, میں کہتا ہوں 5 منٹ آپ سے اسمارٹ فون دور ہو جائے, ایسے لگتا ہے بس دنیا ختم ہو گئی. لیکن اس کو ہم کیسے سہل بنا سکتے ہیں اپنے لیے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں روی میرے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فرجیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ڈیجیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور میرے جیسا بندہ جس کو میں فرجیل اکثر کہتا ہوں کہ امیت مجھے تو غاروں کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا, میں ابھی بھی اتنا سٹرگل کر رہا ہوتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ایک اسمارٹ فون ہے, آپ اس وہ کہیں گم جائے, نہ آپ کے پاس کوئی پاسورڈ, نہ چیزیں, آپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. مطلب میں تو پیدا ہی نہیں, میں تو کہیں کاؤنٹ میں ہی نہیں ہوں کہ اگر میرا ٹیکنالوجی سے مجھے دور کر دیا جائے, میرا لیپ ٹاپ گم جائے یا میرا اسمارٹ فون گم جائے, اس چیز کا کوئی حل ہے یا بس پاسورڈ یاد رکھو, فیس بک کا یہ پاسورڈ ہے؟ اس کا دیکھیے, جو ایک آپ لیٹلی ایک ورڈ سن رہے ہوں گے, کلاؤڈ کہا جاتا ہے, بادل کلاؤڈ, یہ ایک وہ چیز ہے کہ اگر آپ یہ آپ ڈیوائس ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے پاسورڈ ہیں, آپ کا ڈیٹا ہے, آپ کے کانٹیکٹس ہیں, آپ کی تصویریں ہیں, جو بھی انفارمیشن ہے, یہ آپ کلاؤڈ ٹیکنالوجی پہ رکھتے ہیں. اس میں کنزیومر ایز اے سٹیزن مجھے کچھ نہیں کرنا, مجھے جس قسم کا کمپنی کے ساتھ میرا موبائل ہے, جو بھی میں برانڈ یوز کر رہا ہوں, ان کی کلاؤڈ سروسز فری ہے دنیا میں. اب جیسے آپ کا ای میل ایڈریس ہے, ہاٹ میل, جی میل, وٹ ایور, جو بھی دنیا میں چل رہے ہیں, یہ کسی نہ کسی طرح کسی کلاؤڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. بادل کہہ لیں, مطلب اٹس اے ورچوئل ڈیٹا سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں, ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ ہے جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فری اسپیس پڑی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیے کہیں دور کہیں کوئی اسٹور روم پڑا ہوا ہے جس کو سب مل جل کے یوز کرتے ہیں, اور وہ ہے نہیں, وہ ہے نہیں ہے, اس کو بس ایک ورچوئل سا ہے, ادھر یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. آپ اپنا انفارمیشن جب سبسکرائب کرتے ہیں اس پہ رکھنا شروع کریں گے, پھر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ کی ڈیوائس گمتی ہے, آپ کی چیزیں نہیں ملتی, آپ دوسری ڈیوائس پکڑیں, ان فیو منٹس آپ وہیں سے شروع کر لیں گے جہاں سے آپ نے کیا. بھائی کو زندگی کو آسان نہیں کر سکتے, مطلب فرجیل بھائی یہ کدھر. اچھا, پھر ایک اور چیز کا بھی مجھے مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے نوٹوں سے ہم نے زندگی شروع کی ہے نا, اس کے بعد وہ پلاسٹک منی آ گیا,
اب وہ پلاسٹک بننے کے بعد اب وہ ڈیجیٹل کرنسی کوئی آ گئی ہے جس کی مجھے کوئی الف بے آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ سب ایتھیکل کام ہے نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی ڈیجیٹل کرنسی پہ تو چل رہا ہے کام, اٹس بہت ایک نیا ایریا ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کے لیے دوں گا کہ ایک دور تھا میری جیب میں نوٹ کرنسی پڑی ہوتی تھی, تھیفٹ کے چانسز تھے, کوئی بھی چھین سکتا ہے, کہیں گرا سکتے ہیں آپ, یہ ہم مانتے ہیں ساری. پھر ایک دور آیا اس میں واک جو ہوتی تھی نا, کہتے تھے واک سے پتہ چلا بندے جیب بھری ہوئی ہے کہ نہیں بھری ہوئی ہے نا. اب دوسرا دور ہم نے وٹنس کیا جس میں پلاسٹک منی جس کو کہتے ہیں, کریڈٹ کارڈ تھے, وہ گئے سو ڈیبٹ کارڈ کے سوائپ کیے, پیمنٹ کی, جو بھی کیا. اب جو دور آ رہا ہے آپ کی سیکیورٹی اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. اس کا ٹیکنالوجی کا نام جس کو ریفر کیا جاتا ہے بلاک چین ٹیکنالوجی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ملٹیپل جگہ سے ویریفائی ہوگی کہ یہ پیسے کیا توثیق حیدر کے ہی ہیں, اس کو کوئی ملٹیپل نوٹس جس کو کہا گیا ہے ملٹیپل جگہ سے ویریفائی آپ کی آئیڈینٹیٹی ہوگی, آپ کا ورچوئل والٹ تب کھلے گا, ورنہ وہ بند رہے گا. اس کے اندر تھیفٹ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا جی, مطلب لیکن یہ کہ آپ ایز آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا, آپ فیل نہیں کر سکیں گے, ہر چیز ورچوئل ہے. یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ میں پی ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہوں, کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی فیل نہیں کر سکتے, بس پی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے آپ کے ورچوئل اس میں ڈال دیے ہیں, نہ فیل کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, وہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں آج اگر آپ اس کو کرنسی کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیں, آج سے پہلے ہم لوگ کاغذوں پہ اپلیکیشن دیتے تھے, اب ہم ای میل پہ دے دیتے ہیں, ہم نے تو کوئی چیز ٹچ نہیں کی, وہ آپ سینڈ کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, کلاؤڈ سے ہو کے دوسری طرح چلی جاتی ہے, آپ کا کام ہو جاتا ہے. اسی طرح اب کرنسی پہ یہ کام شروع ہو گیا, لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی, آنے والے کچھ عرصے میں یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا سیکیورٹی کیا ہے, اس کے یوزیجز کیا ہے. بٹ آن اے سیریس نوٹ, وہ آپ کا ہی پیسہ ہوتا ہے ابسولوٹلی, اور وہ زیادہ سیکیور ہے آپ کے لیے. اچھا فرجیل, ٹوورڈز دی اینڈ آف دی کنورسیشن, یہ بتائیے کہ پاکستان اس وقت, میرا خیال ہے نادرا کا ذکر کیے بنا ہم یہ کہانی مکمل نہیں کر سکتے. نادرا ایک ایسی مثال ہے جو کہ اس پورے ریجن کے اندر میرا خیال ہے ہم لیڈ کر رہے ہیں اس طرح کی ٹیکنالوجی میں, اور پوری دنیا کے اندر اس کو مانا جاتا ہے کہ نادرا نے جس طرح ڈیجیٹائز کیا ہے ہمارے ڈیٹا کو, ہماری آئیڈینٹیٹی کو, اور اس سے جو جڑی ہیں بہت سی چیزیں, اس کو ذرا کوئکلی آپ اوور ویو دیں کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ. دیکھیے ایز بینگ اے پاکستانی ہونے کے ناطے میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ اسٹیبلش کر کے اس کا کام زبردست طریقے سے ہو رہا ہے, جس نے آپ کے تمام عوام کا ڈیٹا سینٹرل جگہ پہ رکھ لیا ہوا ہے, جس کو ہم سی این آئی سی نمبر کہتے ہیں. اس سے آپ لائسنس نکال لیں, برتھ سرٹیفکیٹ نکال لیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکال لیں, میرج سرٹیفکیٹ نکال لیں, عام سرٹیفکیٹ, آپ جس طرح کی سروس سٹیزن کے لیے چاہتے ہیں وہ نکل سکتی ہے. اور یہ وی آر ون آف دوز لکی نیشن جس کے پاس یہ فل بلون سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہو. ہمارے ریجن میں کیا سٹینڈنگ ہے؟ ہمارے ریجن میں مطلب اف یو ہیو ٹو ریٹ 1 to 10 بینگ دا بیسٹ, وی آر آلموسٹ ہٹنگ 8 and 9. ٹھیک ہے, وی آر دیٹ. اور کافی کنٹریز دنیا میں, یورپ میں کچھ کنٹریز آتے ہیں ابھی جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس پہ, ہم بڑے اس میں لکی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آپ نے صحیح وقت پہ صحیح موو کر دی. سو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کے ساتھ اور سروسز جوڑیں تاکہ لوگوں کی جب تک زندگی, وہ دا وے وی سیڈ کہ انٹل انلیس وی ڈونٹ چینج دا لائف آف پیپل, ان کی زندگی امپروو نہیں کریں گے تب تک کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ڈیجیٹائزیشن ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو. امرود کہ امرود جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے مجھے اچھا امرود دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, دیٹ از دیٹ. فرجیل, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو, بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, مجھے تو بہت مزہ آیا آج کے سیشن کا. آپ ہمیں بتائیے گا بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے فیس بک پیج پہ جا کے ان باکس کیجیے کہ فرجیل کے ساتھ کنورسیشن آپ کو کیسی لگی, اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور رکھیے گا, ہم فیوچر میں بھی اس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے. اپنا بہت سا آپ نے خیال رکھنا ہے, جہاں رہیں خوش رہیں, خدا حافظ.